आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस सेशन नंबर थ्री ऑफ पेस में जहां पे चैप्टर नंबर थ्री प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज करेंगे बट उसके पहले कैसे हो आप सब अब मस्ती रहोगे यार और अगर नहीं भी हो तो अब हो जाओगे क्योंकि इस चैप्टर को पूरी वन शॉट में बहुत ही इजी तरीके से विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स आज हम करेंगे ठीक है सबसे पहले यहां पे मैं आपको

होता है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग उसके बाद स्टैचुडरी कॉर्पोरेशन देन वी हैव गवर्नमेंट कंपनीज तो इनके बारे में इनके मेरिट्स लिमिटेशन फीचर्स उसको हम करेंगे उसके बाद आता है आपका ग्लोबल एंटरप्राइज ग्लोबल एंटरप्राइज की बात करें तो इसको मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहते हैं ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनकी बिजनेसेस या बिजनेस ऑपरेशन एक देश में नहीं अनेक देशों में होती है ठीक है उसके बाद आता है आपका जॉइंट वेंचर अब जॉइंट वेंचर की बात करूं तो बहुत बार ऐसे होता है कि बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए या और लार्ज स्केल पे करने के लिए या ज्यादा कस्टमर्स पाने के लिए दो बिजनेसेस साथ आके हाथ मिलाकर साथ में बिजनेसेस करते हैं तो इसको कहते हैं जॉइंट वेंचर, राइट उसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक, एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो है एक प्राइवेट कंपनी है दोनों एक साथ आ रहे, हाथ मिला रहे साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं पीपीपी पी पी क्या कहते हैं पीपीपी पी, ठीक है तो ये सारे कंसेप्ट जो है इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इनके बारे में समझेंगे और इनके बारे में जानेंगे तो भाई साहब देरी किस बात की करते हैं इस लेक्चर की शुरुआत ठीक है सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पब्लिक सेक्टर व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर देखिए बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में अगर ये चीज मैं आपको बताना चाहूं अगर हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर अगर हम यहां पे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है एनी बिजनेस विच इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स ठीक है कोई भी ऐसा बिजनेस कोई भी चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो पार्टनरशिप हो कॉर्पोरेट सोसाइटी हो कोई भी ऐसा बिजनेस जिसकी ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल हम जैसे लोगों के हाथ में है प्राइवेट इंडिविजुअल्स मतलब क्या हम जैसे लोगों के हाथ में है बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है बट वही अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं वही अगर मैं बट पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो इन पब्लिक सेक्टर इट इज ओन्ड Managed and controlled by whom? तो by government. कौन इसको own manage और control करता है तो हमारे देश की government करती है अब जब मैं government कहती हूं तो इसमें ये central government भी हो सकती है state government भी हो सकती है दोनों साथ मिलकर भी कर सकते हैं ठीक है जरूरी नहीं है अगर मैं government कहूँ तो वो central government ही हो एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि अगर ओनरशिप मैनेजमेंट और कंट्रोल बिजनेस पे है उनके मुताबिक बिजनेस चल रहा है उनके मुताबिक बिजनेस को किया जा रहा है तो वो आएगा पब्लिक सेक्टर में तो बेसिकली मैं अगर कहूं कि है या है, कैसे पता चलता है तो उसके ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पे कि ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल किसके हाथ में है गवर्नमेंट के हाथ में है तो पब्लिक सेक्टर में चला जाएगा अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स आपके मेरे जैसे लोगों के हाथ में है या बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है तो वो आ जाएगा आपका प्राइवेट सेक्टर में ठीक है यहां पे अगर मैं इंडियन इकोनॉमी गवर्नमेंट सेक्टर ये आया इसकी बात करूं, तो देखिए इंडियन इकोनॉमी को जनरली हम क्या कहते हैं तो क्यों इंडिया को मिक्स इकोनॉमी कहते हैं एक कोई भी ऐसी इकोनॉमी वेर वी हैव प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर मतलब यहाँ पे बिजनेसेस प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी करते हैं गवर्नमेंट भी करता है दोनों का कॉम्बिनेशन है ऐसी इकोनॉमीज इकोनॉमीज को को कहते हैं इकोनॉमी ऐसी क्या कहते हैं इकोनॉमी कहते हैं देखिए तो सबसे पहला कारण मिक्स इकोनॉमी का क्या है अब मैं अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है वो कहता है हमको तो चाहिए प्रॉफिट अब हर बिजनेस का प्राइमरी एम एंड ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट कहता है कि हर बिजनेस अगर अपने अपने प्रॉफिट का सोचेगा अपने पैसे सोचेगा अपने कमाई का सोचेगा तो लोगों का बेनिफिट उनको सर्विस उनको जो जरूरत की चीजें हैं चलो मैं नहीं कहती हूँ कि लोगों को गाड़ी बाइक ये चीजें मिलनी चाहिए बट एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटीज है जैसे ट्रैवल कम्युनिकेशन बेसिक नेसेसिटीज तो सबको मिलनी चाहिए बट यहाँ पे अगर वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्राइवेट सेक्टर को देने से रहा तो इसीलिए गवर्नमेंट का इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना बिजनेस करके बहुत जरूरी है हमें लगता है कि अरे गवर्नमेंट का काम है देश संभालो ना कहाँ तो बिजनेस करने आ रहा है गलत है गवर्नमेंट जब भी बिजनेस करता है इन एनी फॉर्म चाहे वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गवर्नमेंट कंपनी हो या स्टेचुटरी कोई भी फॉर्म में अगर गवर्नमेंट बिजनेस करता है याद रखना उनका प्राइमरी एम होता है बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी सोशल वेलफेयर और इसीलिए इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए दोनों प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन बिज़नेसेस होना जरूरी है बेसिकली प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का होना ज़रूरी है तो ऐसे बिज़नेसेस जो गवर्नमेंट करता है उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर ऐसे बिज़नेसेस जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर ठीक है इंडिया में दोनों है इसलिए हम इंडिया को क्या कहते हैं एक कहते हैं तो जैसे मैंने कहा दो सेक्टर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है जबकि पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होती है याद रखिएगा जब मैं गवर्नमेंट कहती हूं इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट और बोथ मतलब दोनों साथ में मिलके भी अगर ये कर रही है तो भी ये पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर है इसको हमें याद रखना है ठीक है तो प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो बेटा प्राइवेट सेक्टर के सारे पार्ट जो है हम चैप्टर नंबर टू में कर चुके हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आता है सोल प्रोप्राइटरशिप है पार्टनरशिप है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है कॉपरेटिव सोसाइटीज है देन मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसमें पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को लगता है कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी और पब्लिक सेक्टर सेम है नहीं नहीं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है विच इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल इट्स ओनर्स दैट इज शेयर होल्डर्स जो कि इंडिविजुअल होते हैं गवर्नमेंट नहीं होता इसको पब्लिक लिमिटेड क्यों कहते

शेयर्स खरीदिए पर ये दोनों पार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी में आता है जिसकी ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है और इसीलिए ये सारे पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर है अगर यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की बात करें विच इज ओन मैनेज कंट्रोल बाय होम तो बाय द गवर्नमेंट तो पब्लिक सेक्टर तीन तरीके से बिजनेस करती है एक उनका आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देन वी एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट कंपनी तीनों में क्या डिफरेंस है कौन किसको मैनेज करता है कहां से फंड आता है इसी को तो आगे पढ़ना है ठीक है प्राइवेट सेक्टर बेसिकली लास्ट चैप्टर में कवर हो गया तो इस चैप्टर में हम क्या कवर करेंगे पब्लिक सेक्टर को कवर करेंगे ठीक है चलिए सबसे पहले हम जाते हैं टू द फर्स्ट टाइप या फर्स्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर बट बिफोर हम ये पब्लिक सेक्टर पे जाए एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्यों पब्लिक सेक्टर की इंडिया में जरूरत है क्यों गवर्नमेंट को बिज़नेसेस में आने की जरूरत है तो देखिए ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूं बट थोड़ा सा इसको रिपीट कर दू कि पब्लिक एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी उनका मेन एम था कि वो कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज ट्रेड बिजनेसेस इसमें वो हिस्सा ले सके अरे क्यों हिस्सा ले सके क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट का काम होता है कि कंट्री की डेवलपमेंट को देखे अरे यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज है तो जो बड़े बड़े सेक्टर्स है जैसे मान के चलिए एयरलाइन सेक्टर है या फिर कोल सेक्टर है ऑयल एंड गैस सेक्टर है या स्टील सेक्टर है बहुत बड़े सेक्टर्स है जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है तो इसमें बहुत सारे बिजनेस पार्टिस सिपेट नहीं कर पाते अब ऐसे केस में जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा पैसे डाल के मोनोपोली करेगा और ज्यादा प्राइसेस पे चीजों को बेचेगा तो गवर्नमेंट का काम होता है ये चीजों को ना होने देना एक मोनोपोली क्रिएट हो दूसरे कोई ऐसा सेक्टर जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं है या बहुत कम है उसमें गवर्नमेंट को खुद आना पड़ता है अब मान के चलिए कोई सेक्टर है जिसमें फंड्स बहुत ज़्यादा है बट इनकम लिमिटेड है तो गवर्नमेंट को सेक्टर में आना ही पड़ेगा अगर वो चीज है जो नेसेसिटी है लोगों को उसकी जरूरत है प्राइवेट सेक्टर नहीं दे रहा तो गवर्नमेंट को तो देना पड़ेगा तो गवर्नमेंट का काम होता है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अगर बिजनेसेस में ट्रेड में दैट इज बाइंग एंड सेलिंग में एंटर करना है स्पेशली इन केस ऑफ नेसेसिटी जो लोगों के वेलफेयर के लिए देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है यस गवर्नमेंट उसमें आएगा ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है वो ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय हुम होती है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया बाय द गवर्नमेंट अब इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है एंड आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती है ठीक है बट यहाँ पे ये यह पैसा किसका है सबसे बड़ा सवाल ये है अब देखिए आप तो बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो तो उसमें आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है या तो आपने बैंक से बोरोइंग किया या तो आपने शेयर इशू करके फंड इकट्ठा किया चलो ठीक है जिसकी मर्जी थी उसने पैसा लगाया उसने शेयर्स खरीदा ओके okay, सब कुछ ठीक है बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस होते हैं चाहे वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो हो या गवर्नमेंट वहां पे पैसा किसका है तो जनरली ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में जैसे स्पेशली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है लेकिन गवर्नमेंट ट्रेजरी में किसका पैसा है मेरे दोस्त पब्लिक का तो इन अ वे अगर गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा यूज करके बिजनेस कर रही है तो पब्लिक को अकाउंटेबल और आंसरेबल है कि भाई आपका पैसा हमने कहा यूज किया कितना यूज किया क्यों यूज किया क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ अरे आंसरेबल तो है ना लेकिन कैसे अभी हम जो इतने 135 140 करोड़ की जनता है सबको एक एक करके गवर्नमेंट जवाब दे सकती है क्या नहीं और इसीलिए इन बिज़नेसेस को हमने अकाउंटेबल बना के रखा है टू द पार्लियामेंट तो बेसिकली पार्लियामेंट इन बिज़नेसेस को टॉप मोस्ट अथॉरिटी के तौर पे कंट्रोल करती है इनके जो अकाउंटिंग है और है इसको चेक करना कि भाई पैसे का कुछ गफला नहीं हुआ चीजों को सही तरीके से यूज किया है, है करेक्ट तो का का कि बिना कोई रुकावट दिक्कत स्मूथली फंक्शन भी करे और कोई गलत चीजें करे बिकॉज यहाँ पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है और साथ ही साथ पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी है भाई ठीक है चलिए आगे जाते हैं लाइक सेट टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस या तो पब्लिक सेक्टर जो कि है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है जैसे हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप है पार्टनरशिप है वैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है तो ये ऐसा फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो सबसे पुराना है ठीक है मोस्ट ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ट्रेडिशनल पहले से जो जमाने से चलते आ रहा है द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर कौन सा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है ठीक है दैट डैश इज द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें याद रखिएगा ये हमेशा अंडर अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल रेलवे, तो रेलवे किसके अंडर आता है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है उस मिनिस्ट्री का पूरा कंट्रोल उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे होगा इसको याद रखना जो भी डिसीजंस लेने हैं जो भी प्लान्स बनाने हैं जो भी पॉलिसीज पास करनी है वो मिनिस्ट्री के हाथ में उसका कंट्रोल होगा जो भी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आती है ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये जो गवर्नमेंट है दीज फंक्शन थ्रू द डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज परफॉर्म बाय देम याद रखना आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट क्यों अरे भाई तुमने मिनिस्ट्री सेटअप की अब मिनिस्ट्री कौन सेटअप करता है गवर्नमेंट ही सेटअप करता है ना तो इन अ वे मिनिस्ट्री के हाथ में तुमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दे दी तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मेनली कौन कंट्रोल कर रहा है तो एक तरीके से गवर्नमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रहा है तो गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे कि इनके थ्रू फंक्शन करना बेसिकली इनके थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना इनके थ्रू जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के द्वारा ठीक है तो जनरली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो सेटअप की जाती है ऐसे ही क्रूशियल एरियाज में की जाती है इंपॉर्टेंट एरियाज में की जाती है जो कंट्री डेवलपमेंट के लिए कंट्री के ग्रोथ के लिए स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है जैसे कि रेलवे जैसे कि कम्युनिकेशन जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ ठीक है ऐसे एरिया जो कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है ठीक है चलिए आगे जाते हैं अब नेक्स्ट चीज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करने वाला हर एक व्यक्ति काम करने वाला मतलब जो उसका एम्प्लॉय है ठीक है जैसे रेलवे का कोई भी एम्प्लॉय है उसको बेसिकली क्या माना जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो भी कायदे कानून पॉलिसी स्कीम्स बेनिफिट सैलरीज इंटरव्यू प्रोसीजर है वही इन एम्प्लॉयज के ऊपर लागू होती है याद रखिएगा चाहे कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो हर एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहा जाता है और इनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनाए गए प्लान्स पॉलिसीज बेनिफिट्स प्रोसीजर्स कायदे लागू होते हैं सिंपल सी चीज़ ठीक है उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये जो अंडरटेकिंग्स है ये या तो सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो सकती है अब जरूरी नहीं है कि सारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो ऑप्शन है कि इट कैन बी अंडर द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट बट बेसिकली पहले ही डिसाइड हो जाता है कि किसके अंडर ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होगी अब इसका एग्जाम्पल है ठीक है देन वी हैव पोस्ट एंड टेलीग्राफ उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो है उसके अलावा दूरदर्शन है ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जो आप लिख सकते हो मोस्ट चीज अभी तक जो आपको याद रखना है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे किसका कंट्रोल होता है ऐसी मिनिस्ट्री जिसको वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दिया गया है तो बेसिकली हर एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कोई ना कोई मिनिस्ट्री के अंडर आता है दूसरी चीज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करने वाला हर एक व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है और इसीलिए उसके ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सारे कायदे कानून प्रोसेस रूल्स लागू होते हैं ठीक है लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे आप रेलवे लिख सकते हो उसके अलावा आप पोस्टन टेलीग्राफ लिख सकते हो ऑल इंडिया रेडियो लिख सकते हो दूरदर्शन लिख सकते हो ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ठीक है चलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को थोड़ा सा और इन डिटेल समझेंगे बाय देर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा फीचर्स कहो कैरेक्टरिस्टिक्स कहो नेचर कहो वन एंड द सेम है अब सबसे पहला फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है कि ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है देखिए कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कंट्री लेवल पे चलाया जाता है पूरे कंट्री लेवल पे उसकी बेनिफिशरीज होते हैं पूरे कंट्री लेवल पे इसका बिजनेस किया जाता है तो ऐसे केस में ऑब्वियसली जो फंडिंग भी लगेगी जो फाइनेंस भी लगेगा बहुत ज्यादा लगेगा तो इनका पैसा कहां से आता है जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है यहाँ से इनका फंडिंग आता है बट एक चीज़ याद रखिएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के द्वारा अगर आप कोई भी प्रॉफिट कमाते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि लास्ट ईयर रेलवेज ने कुछ 1360 करोड़ का प्रॉफिट किया फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ तो ये 1360 करोड़ प्रॉफिट किसका वो मिनिस्ट्री का हो गया या जो मिनिस्टर है उसका हो गया या एम्प्लॉइज में बांटोगे नहीं ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को चलाने के लिए पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है और अगर आपने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया अगर लॉस में गया तो तो सवाल ही नहीं है बट अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया तो ये पूरा प्रॉफिट बैक टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी जाता है तो गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा लेना है बजट में अप्रूवल होगा बेसिकली आपको एक पैसा दिया जाएगा उस पैसे को यूज करके साल भर इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को चलाना है यर एंड में अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट्स अर्न किए इनकम अर्न की है वो भी पैसा बैक टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी जाएगा जो इनमें काम करते हैं जो इनको रूल करते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं उनको क्या मिलता है तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के मुताबिक उनको सैलरीज जो भी पर्क्स है बेनिफिट्स है कायदे के मुताबिक मिलेगा बट इनकम किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती जैसे प्राइवेट कंपनीज में होता है ना कि शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया यहाँ पे ऐसा नहीं होता ठीक है चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे दैट इज दे आर सब्जेक्ट अकाउंटेंट एंड ऑडिट कंट्रोल्स ठीक है सबसे पहली चीज ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में बेटा पैसा आ रहा है गवर्नमेंट ट्रेजरी से राइट ये पैसे को आपने कहा यूज किया कितना यूज किया कब यूज किया ये सारी चीजों का यहां पे आपको एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है ठीक है जैसे बा, बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटीज का यहाँ पे प्रूफ देखने के लिए या क्या किया है कैसे किया है सारी चीजें सही से की है कि नहीं उसके लिए जैसे उनका ऑडिटिंग एंड यहाँ पे अकाउंटिंग होता है सेम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होता है ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक पैसा दे दिया क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स अलॉट किए जाते हैं तो इतना पैसा दे दिया चलो आपको जो करना है करो नहीं एक एंट्री -एक, एक एक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन आपको मेंटेन करना है और मेंटेन ही नहीं करना है Year end में उसका ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग होता है टू चेक रखी है क्या आपने पूरा यहाँ पे appropriately transactions को maintain किया है, या फिर नहीं ठीक है उसके अलावा तीसरी चीज जैसे मैंने कहा कि जो एम्प्लॉय है जो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करते हैं उनको यहां पे हम गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सर्विस कहते हैं ठीक है तो इन एम्प्लॉयज़ के जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है टर्म्स एंड कंडीशन है जैसे फॉर एग्जाम्पल रेलवेज में काम करना है तो आपको एक एंट्रेंस देनी होती है एक एग्जाम देनी होती है लाइक फिर उसका कट ऑफ लगता है फिर उसकी ट्रेनिंग होती है फिर उसका पे स्केल डिसाइड होता है तो यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो भी प्रोसेसेज है ये सारे प्रोसेस सेम होते हैं जैसे बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के होते हैं राइट right? और इन एम्प्लॉयज के ऊपर अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेट करता है बहुत ज्यादा इसमें फंड्स इन्वॉल्व होता है और इसीलिए इनको एक आई ऑफिसर दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर दिया जाता है अगेन जिनको सिविल सर्वेंट्स माना जाता है हु आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर ठीक है अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में तो ऐसे होता ही है ट्रांसफर्स हो राइट right? तो एक कोई आई ऑफिसर है उसको यहां मान मानके चलो एक बार वेस दे दिया तो कभी दूसरे मिनिस्ट्री में डाल दिया एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री में डाल दिया कभी को हेड कौन करता है आई एस ऑफिसर लेकिन यहाँ पे धोखा मत खा जाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सबसे प्राइमरी या सबसे टॉप मोस्ट कंट्रोल आता है मिनिस्ट्री का जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग लेते हैं उनके हाथ में अथॉरिटी उनके हाथ में पावर होता है मिनिस्ट्री के एक आईएएस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को लीड करे बेसिकली उसकी पॉलिसीज डिजाइन करना उनके बारे में रिसर्च करना स्टडी करना बिजनेस ऑपरेशंस करना ये आईएएस ऑफिसर्स करता है अकेले इतने बड़े डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को नहीं संभाल सकता इसीलिए उसके अंडर बहुत सारे यहां पे डिफरेंट एम्प्लॉइज को दिया जाता है और ये जो भी एम्प्लॉयज है जो इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करते हैं इनको क्या माना जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आई ऑफिसर लीड करता है मतलब वही सारे डिसीजंस देता है गलत डिसीजंस लेने का पावर अथॉरिटी सिर्फ उस रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के हाथ में होती है ठीक है चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट अब आते हैं टू द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देखिए कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो उसके मेरिट्स और लिमिटेशंस या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते ही है तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस के क्या डिफरेंट मेरिट्स है तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज ये जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसके ऊपर पार्लियामेंट का एक तरीके से इफेक्टिव कंट्रोल होता है बेसिकली दे आर आंसरेबल एंड उंटेबल ठीक है तो ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अपने तरीके से फंक्शन कर रही है उनको जो करना है जब करना है जैसे करना है वैसे कर रही है नहीं ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को भले हमने एक मिनिस्ट्री को सौंप दिया है बट फिर भी इनका ऑडिटिंग एंड कंट्रोल होता है फिर भी दे आर एंसरेबल टू द पार्लियामेंट तो एक तरीके से इनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है कि भाई यहाँ पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है तो यहाँ पे कोई भी गलत चीज कोई भी गलत काम यहाँ पे ना हो ठीक है उसके अलावा यहां डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है क्यों हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है क्योंकि भाई साहब पब्लिक का पैसा आप यूज कर रहे हो तो इसमें आपने कुछ गफला किया या इसमें आपने अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत की या इसमें आपने कोई गलत ट्रांसैक्शन किए कैसे चलेगा इसीलिए इनका जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग होता है एंड एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री भी अगर आप ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रिपोर्ट देखना चाहो इनका प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट देखना चाहो तो ये अवेलेबल होता है फुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बेटा बहुत जरूरी है क्योंकि पैसा पब्लिक का है तो हाईली अकाउंटेबल टू द पब्लिक है हाईली आंसरेबल है कुछ भी गलत किया कहीं पे भी सौ तो करोड़ के बदले एक सौ अस्सी करोड़ यूज किया तो नहीं चलेगा नहीं चलेगा ठीक है चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज जो कि है द रेवेन्यू अर्न द एंटरप्राइज लाइक आई सेड दैट गोज टू द ट्रेजरी कौन सी ट्रेजरी मेरे दोस्त तो गवर्नमेंट ट्रेजरी तो बिजनेस करने के लिए पैसा भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है और अगर आपने कोई भी रेवेन्यू प्रॉफिट इनकम ऑन किया तो वो भी बैक टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी जाता है किसी को देना डिस्ट्रीब्यूट करना चल ले लो बाट लेते अपने में ऐसा नहीं होता ठीक है चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे जो कि कहता है कि जब नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करूं तो वेरी हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी है डायरेक्टली मिनिस्ट्री के, के कंट्रोल में है कोई बाहर के लोग आना ही, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है सिविल सर्वेंट है मिनिस्ट्री है, के ऊपर पार्लियामेंट है तो जब भी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल आता है जहां पे आप बिल्कुल भी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते जहां पे आप बिल्कुल भी प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में चीजें देके रिस्क और सिक्योरिटी नहीं ले सकते ऐसे केस में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे ज्यादा सूटेबल है जहां पे भी देश को सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास वो चीज को डाला जाता है तो ये भी ऑब्जेक्टिव के तौर पर आ सकता है। है डैश इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज व्हेन नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न तो आप क्या कहोगे Departmental undertaking कहोगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ठीक है है उसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को हेड कौन करता है आई ऑफिसर्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज को क्या कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहते हैं एंड सो ऑन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पैसा कहां से आता है तो गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है ठीक है इसी तरीके से इसके कुछ लिमिटेशन है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे लागू होते हैं सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसमें यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है क्योंकि हाँ पे बेटा जो भी डिसीजन लेने हैं कौन लेगा तो आपकी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री जो है वो सारे डिसीजन लेगी तो आपको लगता है कि ये सही है तो आपके हाथ में कोई अथॉरिटी है पावर नहीं है कि आपको लग रहा है सही है तो चलो अपने हिसाब से करो नहीं यहां पे मिनिस्ट्री के अंडर पूरा कंट्रोल होता है तो कोई भी अगर आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है प्लान बनाना है पॉलिसी बनाना है तो मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना आप इसको नहीं कर सकते और इसीलिए बहुत बार ऐसे होता है कि डिसीजन मेकिंग हो जाता है काफी बार हमें लगता है कि ये डिसीजन से बिजनेस और आगे ग्रो होगा बट फिर भी हम उसको नहीं ले पाते ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है तो जो इंप्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट है जैसे मैंने कहा उनको कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए अलाउड नहीं है भले वो आई ऑफिसर हो भले वो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉ हो भले वो यहाँ पे इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को लीड कर रहा हो या कर रही हो बट फिर भी अल्टीमेट डिसीजन मिनिस्ट्री का ही होगा कोई भी दूसरा व्यक्ति यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता ये एक बड़ा लिमिटेशन है ठीक है नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो यहाँ पे जैसे बाकी बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज हम पढ़ते ना कि भाई अपॉर्चुनिटीज है मौका है तो मौके पे मारो चक्का ठीक है बट यहाँ पे ये यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि मौका आएगा मौके का फायदा उठाने तक खत्म कहानी यहाँ पे कैसे होता है सारे डिसीजन एंड कंट्रोल मिनिस्ट्री के हाथ में है तो मौका आया आप बताओगे वो सुनेंगे फिर वो सोचेंगे फिर वो और सोचेंगे फिर वो और सोचेंगे तब तक, तक मौका ओ ओ डंचू। तो ये चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है देखिए क्या होता है ना कि आपके जो मिनिस्टर्स है जो आपके ब्यूरोक्रेट्स है या जो भी इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कंट्रोल कर रहे हैं उनको मालूम है कि भाई ये पैसा अपना नहीं है साढ़े उन्नीस बीस भी हो गया ना तो बवाल मच जाएगा बिकॉज ये हाईली अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड एंसरेबल इन द पार्लियामेंट तो वो यहाँ एकदम सेफ बिजनेस करना चाहते हैं देखिए बिजनेस का एक कायदा है कि रिस्क जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यहाँ पे रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर रिस्क लिया प्रॉफिट हो सकता है बट लॉस भी हो सकता है फिर कितनों को जवाब देते बैठोगे यू आर हाईली अकाउंटेबल तो ऐसे केस में कोई भी ऐसे रिस्की वेंचर्स या डिसीजन भले हो सकता है कि वो बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो वो करने नहीं देते वो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं रिस्क लेने तो बिल्कुल तैयार नहीं है ठीक है तो बहुत बार ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा डर रहता है कि भाई रिस्क लेगा अपन ठीक है चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे दर इज रेड डे टू डे एक्टिविटीज पॉइंट पढ़ाया जाता है सबसे पहला सवाल आता है मैम रेड टेपिज्म बोले तो तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक है देखिए रेड टेपिज्म का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस और पेपर वर्क मतलब छोटे से काम के लिए दस मिनट के काम के लिए दस दिन लग जाना क्यों क्योंकि यहाँ पे छोटे से छोटे काम के लिए इतने बड़े बड़े प्रोसीजर्स लीगल प्रोसीजर्स पेपर वर्क बनाए गए हैं कैसे लगता है दस मिनट के काम के लिए दस दिन का पेपर वर्क छोड़ यार करना ही नहीं है ये गलत है ठीक है हम जितनी ये इनफ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं बिजनेस में जितना ये लंबा चौड़ा पेपर वर्क वाला प्रोसेसिस बनाते हैं उतने लोग डिस्करेज हो जाते हैं वो काम करने के लिए कि भाई इतने छोटे से काम के लिए अगर इतना समय और मेहनत जा रही है तो उससे अच्छा करते ही हैं जो इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में है तो ज्यादा पेपर वर्क बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ये तो लगता है छोड़ना यार ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक्चुअल कंट्रोल किसके हाथ में होता है मिनिस्ट्री तो मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है बहुत बार हमें लगता है कि अरे ये डिसीजन जो है हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए सही नहीं है ऑप्टिमल नहीं है या फिर बेनिफिशियल नहीं है बट फिर भी काफी बार ऐसे होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण क्योंकि मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल कर रहा है अब मिनिस्ट्री को कोई और कंट्रोल कर रहा है तो पॉलिटिकल प्रेशर के कारण काफी बार ऐसे इरेलीवेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं क्योंकि एट दी एंड मिनिस्ट्री के हाथ में पावर है वो किसी और के हाथ में है तो प्रेशर आएगा तो जो बोला वो करना पड़ेगा पता होने के बावजूद भी ठीक है नेक्स्ट जो है डीज ऑर्गेनाइजेशन ये जनरली इनसेंसिटिव होते हैं किसके लिए तो कंज्यूमर नीड्स के लिए ठीक है कोई भी बिजनेस होता है ना प्राइवेट सेक्टर सिंपल सब समझा ठीक है प्राइवेट सेक्टर में कोई भी बिजनेस होता है तो उसको एक चीज पता है कि अगर हम यहाँ पे कस्टमर या कंज्यूमर सेटिसफैक्शन लाएंगे तो मार्केट में टिक पाएंगे वरना नहीं मेरे कस्टमर्स अगर मेरे बिजनेस मेरे प्रोडक्ट से खुश है वो उसको परचेस कर रही है तो हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे वरना मार्केट से उड़ जाएंगे पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के किस्से में ऐसा कुछ है ही नहीं जो पैसा आता है गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है तो वो वही काम करते हैं जो उनको सही लगता है कंज्यूमर को क्या चाहिए उनकी क्या प्रेफरेंस है उनका क्या सैटिस्फेक्शन लेवल है कुछ नहीं उनको लगता है कि ये करना चाहिए ये सही है हमारे मुताबिक कर दिया तो ऐसे केसेस में बहुत बार कस्टमर सैटिस्फैक्शन एंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में काफी ज्यादा रिड्यूस हो सकता है ठीक है सिंपल सी बात आई रियली होप कि ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये आप सभी के लिए क्लियर रहा होगा ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अब इसके बाद हम सेकंड फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पे जाते हैं जो कि है आपका स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन अब देखिए सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कंट्रोल करते थे मिनिस्ट्री लेकिन अगर आपको एक सैचुडरी कॉरपोरेशन फॉर्म करना है वो डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता इसीलिए पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करवानी पड़ती है इस एक्ट में इस स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के ऑब्जेक्टिव्स अब क्या करना चाहते हो आपके क्या नियम है आपके क्या कायदे कानून है आपके क्या प्रोसेस है सारी चीजें इसमें मैंशन होती है अगर पार्लियामेंट में ये स्पेशल एक्ट जो प्रपोज हुई है वो पास हो गई से इस कॉरपोरेशन का जन्म होता है बट कोई भी सेचुटरी कॉर्पोरेशन बिना एक्ट के बिना ये स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट में पास होती है इसके बिना फॉर्म नहीं हो सकता किसी के भी मर्जी से इसको याद रखिएगा ठीक है चलिए लाइक आई सेड ये जो एक्ट है इसमें इस सेच्युटरी इस कॉरपोरेशन के पावर्स फंक्शंस कायदे कानून ये सारी चीज़ें जो उसके एम्प्लॉयज के ऊपर प्रोसेसिस लागू होते हैं ये सारी चीज़ें इस एक्ट में मैंशनड होती है और उसी के मुताबिक उस सेचुटरी कॉरपोरेशन को चलना ऐसा नहीं कि एक्ट में हमने लिख दिया अब अपने मर्जी से हम काम कर रहे हैं ऐसा नहीं चलता जो भी कायदे कानून रूल्स रेगुलेशन प्रोसेस एम्प्लॉयज के लिए कॉरपोरेशन के लिए इस एक्ट में मैंशनड है जो पार्लियामेंट में पास हुई उसी के मुताबिक फिर इस सैच्युटरी कॉरपोरेशन को आगे बिजनेस करना है आगे फंक्शन करना है ठीक है चलिए सेच्यूटरी कॉरपोरेशन की बात करें तो यहां पे पावर ऑफ द गवर्नमेंट है एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज भी है यहीं पे ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से थोड़ा सा अलग हो जाता है देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास बहुत पावर होता है क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है बट उनके पास क्या नहीं होता तो फ्लेक्सिबिलिटी वो अपने मुताबिक उनकी मर्जी से जो बिजनेस के लिए अच्छा है उस तरीके से कोई काम नहीं कर सकते बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको वही करना पड़ता है जो उनको कहा जाता है

डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है स्टैचुडरी कॉरपोरेशन में ऐसा नहीं है तो कंपेरेटिवली उनके पास थोड़ा सा फ्रीडम आ जाता है कि आप खुद के मुताबिक जो आपके स्टैचुडरी कॉरपोरेशन के लिए सही है उसके मुताबिक आप डिसीजन ले सकते हो ठीक है थोड़ा सा और इन डिटेल सैचुटरी कॉर्पोरेशन को समझेंगे अंडरस्टैंडिंग इट्स फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स अब यहां पे कॉर्पोरेशन की बात करूं, तो एक चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये सैचुटरी कॉर्पोरेशन तब भी बन सकता है जब एक स्पेशल एक्ट इसको लेकर पार्लियामेंट में, इस में पास होती है इसी एक्ट में इस सैचुडरी कॉर्पोरेशन के पावर्स रूल्स रेगुलेशन प्रोसेस एम्प्लॉयज को लेके प्रोसेस सारी चीजें इन डिटेल मैंशन होती है जिसके मुताबिक ये कॉरपोरेशन को आगे काम करना होता है ठीक है ये याद रखना, इट बाय द स्टेट कोई भी यहां पे प्राइवेट कंपनी का फंडिंग प्राइवेट कंपनी का शेयर प्राइवेट कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता होली ओन्ड बाय द स्टेट ठीक है चलिए आगे जाते हैं कोई भी सैचुटरी कॉर्पोरेशन की बात करें ये एक तरीके से कैन बी सियड एंड कैन सी सबसे पहले सी एंड सी का मतलब क्या होता है यह बता दो क्योंकि अभी तक बच्चे इसमें मतलब क्या होता है can sue देती and can be sued देती चलो। सबसे पहले सैचडेरी कॉर्पोरेशन कैन सी इसका मतलब होता है दे कैन टेक लीगल एक्शन और फाइल लीगल केस ठीक है बेसिकली मान के चलिए कि के अगेंस्ट किसी ने कुछ गलत कर दिया जो इलीगल है जो कि लॉ के खिलाफ है तो सैच्यूटरी कॉरपोरेशन चाहता है कि उस व्यक्ति या तो अगर वो कोई कंपनी है फॉर्म है तो उसके खिलाफ केस करे लीगल केस करे तो वो कर सकती है सिमिलरली अगर मान के चलिए कि सैचुडरी कॉरपोरेशन ने कुछ गलत कर दिया जो कायदे के मुताबिक गलत है तो स्टेचुटरी कॉरपोरेशन भी के ऊपर के भी केस हो सकता है ठीक है तो कैट्यूड का मतलब क्या होता है एनी अदर पर्सन और फर्म कैन फाइल अ लीगल केस अगेंस्ट ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे है इसका मतलब ये नहीं कि चाहे जो करो अगर आपने कुछ गलत किया जो आपके कायदे के मुताबिक या जो भी एक्ट के मुताबिक नहीं है तो कोई भी दूसरी व्यक्ति या फिर फर्म आपके खिलाफ लीगल केस फाइल कर सकता है या कर सकती है सिमिलरली अगर आपके साथ गलत हुआ आपके साथ मतलब statutory कॉर्पोरेशन के साथ कुछ गलत हुआ, तो वो भी किसी के ऊपर एक लीगल केस फाइल कर सकते हैं यही यहां कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम मतलब बेसिकली ये जो स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन है एक तरीके से दे हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ठीक है तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहता है प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है किसी के साथ एमओ यू साइन करना चाहता है वो कर सकता है ठीक है चलिए आगे जाते हैं वो मतलब भाई याद रखना यहाँ पे मैं सैचुटरी कॉर्पोरेशन की बात कर रही हूँ कोई एक पर्सन की बात नहीं कर रही ठीक है चलिए आगे जाते हैं दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस इज यूजली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस वन ऑफ द रीज सेंस इनको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इनका कोई भी पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं आता ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है चलाने के लिए फंड्स या फाइनेंस चाहिए बट इनका फंड्स फाइनेंस पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं आता ये खुद फंड्स रेस करते हैं उस फंड से अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करते हैं याद रखना ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कोई भी सेचुटरी है उनको भी सम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल है डिफरेंस इतना है है कि इनका जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसेस वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जितना स्ट्रिक्ट नहीं है कंपेरिटिवली कम है क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में वेरी हाई लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी है छोटी भी गलती नहीं होनी चाहिए राइट पर यहाँ पे ये इनका खुद का फंड्स है बेसिकली खुद फंड्स रेस कर रहे हैं तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन इनके ऊपर एप्लीकेबल है ठीक है तो सैचुडरी कॉर्पोरेशन की बात करूं पहली चीज इंडिपेंडेंटली फाइनेंस है गवर्नमेंट ट्रेजरी से कोई भी पैसा नहीं आता होली ओन बाय द स्टेट है ठीक है उसके अलावा ये सैचुटरी कॉरपोरेशन का एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं बेच सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कर सकते हैं और अगर उनके साथ कोई भी दिक्कत हुई तो लीगल केस भी फाइल कर सकते हैं साथ ही साथ सेचुटरी कॉरपोरेशन ने कायदे के बाहर कोई भी चीज़ करी तो कोई उनके ऊपर भी लीगल केस यहाँ पे फाइल कर सकता है दो सब्सिडरी कॉरपोरेशन का पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं आता फिर भी इनका बेसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर होना जरूरी है ठीक है चलिए आगे जाते हैं ओके ओके नेक्स्ट ये है द्लॉयज ऑफ दिस एंटरप्राइज आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स ठीक है तो यहाँ पे जो में काम करते हैं इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहा जाता तो इनके ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो भी रूल्स रेगुलेशन प्लान पॉलिसीज बेनिफिट्स है प्रोसेसेस है ये इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है बेसिकली कॉर्पोरेशन है वो खुद अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है पेमेंट है बेनिफिट्स है वो वे, की यहां पे डिसाइड कर सकते हैं इसको याद रखना तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के तरीके से इनके एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है और ना इनके ऊपर ऐसे अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल है भाई बिजनेस है तो बिजनेस को अकाउंटिंग करना ही है वापस बता देती हूं छोटे से छोटा बिजनेस अकाउंटिंग करना है उसको बट यहां पे उतना स्ट्रिक्ट ऑडिट कंट्रोल प्रोसेस जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर लागू होता है इनके ऊपर नहीं होता याद रखना ठीक है चलिए आगे जाते हैं अब टू द मेरिट्स और बेनिफिट्स ऑफ सैचूटरी कारपोरेशन सबसे पहला मेरिट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी कि यहाँ पे कंपेयर टू डिपार्टमेंटल जो भी है भाई साहब उनकी इंडिपेंडेंस इन द फंक्शनिंग है और इसीलिए उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है देखो क्या होता है ना पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं आ रहा खुद आप रेस कर रहे हो तो आप जो भी डिसीजन लोगे आपके फायदे के मुताबिक बेनिफिट के मुताबिक लोगे तो यहां पे अगर इंटरफेरेंस आ गया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते ये प्रोसेस है तो नहीं चलेगा ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेरिट यहां पे क्या है कि जो भी फंड फ्रॉम द सेंट्रल बजट ठीक है budget, तो गवर्नमेंट जनरली डज नॉट डरफियर इन देयर फाइनेंशियल मैटर्स राइट जैसे मैंने कहा सेंट्रल बजट से पैसा आता है गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं आता तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उनका कंट्रोल हम बोलेंगे वैसा होगा यहां पे नहीं चलेगा बॉस ये सब डिपार्टमेंट है अंडरटेकिंग में चलेगा याद रखना ठीक है नेक्स्ट दे आर ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस मतलब क्या ये खुद के अपनी चीजों को डिसाइड कर सकते हैं अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कैसा था गवर्नमेंट के कायदे कानून प्रोसेस इनके ऊपर लागू होते थे बट ये ऑटोनॉमस है खुद के मुताबिक वो चल सकते हैं तो अपने प्लान पॉलिसीज प्रोसीजर्स स्ट्रेटजीज प्रोसीजर, एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर, प्रोसीजर, प्रोसीजर कैसे करना है एम्प्लॉयमेंट का प्रोसीजर क्या है रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या है सैलरीज क्या होगी ये ये लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो भी सेचुटरी कॉर्पोरेशन है ऑब्वियसली अगेन ये एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है अरे सेचुटरी कॉरपोरेशन ही नहीं कोई भी पब्लिक सेक्टर का हिस्सा चाहे वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो सैचुटरी कारपोरेशन हो या गवर्नमेंट कंपनी हो ये सारे पब्लिक सेक्टर का हमेशा प्राइमरी एम लोगों का वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ कंट्री होता है तो सारे एक देश के लिए उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है ठीक है चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि है लिमिटेशंस ऑफ सैचरी कॉर्पोरेशन भाई मेरिट होगा तो लिमिटेशंस भी होगा ऐसे कैसे कोई परफेक्ट हो जाए है ना तो यहाँ पे अगर लिमिटेशंस की बात करें तो हम बार बार कहते हैं कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने मुताबिक चल सकते हैं जो चाहे वो कर सकते हैं ऑटोनॉमस है, है। बट काफी बार कुछ चीज कहने में कुछ और और दिखने में कुछ और होती है यहाँ पे वही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मुताबिक फ्लेक्सिबिलिटी है बट फिर भी गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा तो जितनी ज्यादा हम दिखा रहे हैं ना ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इन रियलिटी उतनी नहीं मिलती इंटरफेरेंस कंट्रोल गवर्नमेंट का आ ही जाता है ठीक है क्या करे भाई चलिए गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा रहेगा अरे ओनरशिप जिसकी है तो उसकी तो चलेगी ना भले मैं बोल दू चाहे वो करो फिर बोलूंगी ऐसा कैसा मेरे को पूछे बिना किया हाँ ऐसा कैसा तो यहां पे यही चीज है ठीक है दिखता कुछ और है होता कुछ और है चलिए वेर देर इज डीलिंग विद पब्लिक करप्शन हो ही जाता है तो देखिए यहाँ पे ये स्टैचुटरी कॉरपोरेशन में बहुत ज़्यादा करप्शन के चांसेस भी होते हैं और इसीलिए बहुत बार ऐसे होता है कि जो ऑब्जेक्टिव और जो कारण से सेचुटरी कॉरपोरेशन फॉर्म हुआ है वो काफ़ी बार कंप्लीट नहीं हो जाता बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ करप्शन जो इसमें आ सकता है मैं नहीं कह रही है बट देर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे करप्शन हो सकता है ठीक है साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है अभी देखिए गवर्नमेंट कहता है कि आपका आप अपने हिसाब से चलाओ फिर वो क्या करता है तो का जो भी कॉर्पोरेशन बोर्ड है ठीक मतलब है ये तो गवर्नमेंट क्या करता है खुद के लोग खुद के ही एडवाइजर इस बोर्ड में बिठा देता है तो गवर्नमेंट ने बोला अरे तुम अपने हिसाब से करो कौन करेगा कारपोरेशन बोर्ड करेगा ठीक है वो सारे इंपोर्टेंट डिसीजन प्लान बनाएगा एक्सेट्राइन फिर गवर्नमेंट खुद के एडवाइसर उस बोर्ड में बिठा देगा तो इनमें डिसीजन कौन लेना है गवर्नमेंट ही लेना है ना ठीक है तो उसकी वजह से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं वो भाई भाई बस नाम का रह जाता है इनडिरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल ही यहां पे आ जाता है ठीक है लेट इज गो टू द लास्ट टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो कि है आपकी गवर्नमेंट कंपनी अब यहां पे, मैं की बात करूं तो कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है ये कैसे डिसाइड होती है देखिए हम यहां पे डिसाइड कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल तो इन केस ऑफ कंपनीज कंपनीज में ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे डिसाइड होता है तो जिसके हाथ में मेजोरिटी स्टेक होता है स्टेक मतलब शेयर्स ऐसे समझ लो ठीक है तो मान के चलिए ये मेरे टोटल शेयर्स है क्या है तो ये मेरे टोटल शेयर्स है इन शेयर्स में से यहां पे 51% परसेंट जिसके हाथ में होगा या मोर देन फिफ्टी परसेंट भी कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ओनरशिप डिसाइड होती है किसके हाथ में मेजोरिटी शेयर है तो यहां पे मोर देन फिफ्टी परसेंट मोर देन फिफ्टी परसेंट और एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट अगर गवर्नमेंट के हाथ में है ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे लेटर से ये हाफ है तो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा 51 परसेंट किसके हाथ में है गवर्नमेंट के हाथ में है तो इसको क्या कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे अब जरूरी है पूरा 51 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो तो भी गवर्नमेंट कंपनी स्टेट गवर्नमेंट के पास हो तो भी गवर्नमेंट कंपनी दोनों का मिलके है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थर्टी परसेंट है स्टेट गवर्नमेंट के पास ट्वेंटी वन परसेंट है तो भी गवर्नमेंट कंपनी है इन केस ऑफ कंपनीज ओनरशिप मेजॉरिटी स्टेक पे डिसाइड होती है इसको याद रखना जो कि यहां पे भी क्लियरली मेंशन है ठीक है गवर्नमेंट कंपनी की बात तो ये भी जैसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म होती है एज पर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 सेम तरीके से इनका प्रोसेस कायदा कानून गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर भी लागू होता है कौन सा कंपनीज एक्ट ऑफ़ 2013 ठीक है इसी कंपनीज एक्ट के सेक्शन टू सबसे फोर्टी फाइव में गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग और डेफिनेशन गिवन है जो कहता है गवर्नमेंट कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम 51 परसेंट ऑफ द टोटल पेड ऑफ कैपिटल किसका है तो गवर्नमेंट का है टोटल पेड ऑफ कैपिटल अगर हजार है तो उसमें से कम से कम मोर देन 500 गवर्नमेंट का होना चाहिए बेसिकली शेयरज ही हो गया कौन सी गवर्नमेंट का तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या फिर बोथ ठीक है तो थोड़ा सेंट्रल का है, थोड़ा स्टेट का है तो भी गवर्नमेंट कंपनी है ठीक है चलिए आगे जाते हैं यहाँ पे अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अ गवर्नमेंट कंपनी में बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको दो टाइप्स ऑफ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड और उसका डिस्टिंग्विश समझाया था यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म करना चाहते हो तो वो भी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड के तौर पे फॉर्म कर सकते हो बट दोनों में मेजोरिटी स्टेक गवर्नमेंट का होना मैंडेटरी है अगर गवर्नमेंट का नहीं है तो वो जॉइंट ऑफ कंपनी बन जाएगी विच इज ओन मैनेज कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स ठीक है चलिए अब गवर्नमेंट कंपनी को थोड़ा सा डिटेल समझते हैं बाई अंडरस्टेंडिंग सबसे पहला फीचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कहूं तो याद रखना गवर्नमेंट कंपनी पे जॉइन कंपनी की तरह कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 या कोई भी ऐसी कंपनीज एक्ट का कायदा लागू होता है उन्हीं के प्रोसेस उन्हीं के कायदे रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक गवर्नमेंट कंपनी को चलना है ठीक है लाइक एनी अदर कंपनी दे हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ठीक है तो यहां पर भी कैन सी यू एंड कैन बी सी ऑटोमेटिकली आ सकता है ठीक है कैन सी यू मतलब वो किसी के खिलाफ लीगल केस फाइल कर सकते हैं कोई उनके खिलाफ यहां पर लीगल केस फाइल कर सकता है ठीक है उसके अलावा द कंपनी कैन एंटर इंटू अंट्रैक्ट एंड अक्वायर से तो खुद के नाम पर वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है खुद के नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एंड सोन ठीक है उसके अलावा जो भी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है ये कंपनी का मैनेजमेंट अगेन कंपनीज एक्ट के मुताबिक डिसाइड होगा उनके पावर्स उनके कंडी

नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज दीज कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड मतलब नॉट टू डू ठीक है एग्जामेड नहीं करना है दीज कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर्स तो इनके ऊपर कोई भी अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर्स जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर एप्लीकेबल है इनके ऊपर ये अकाउंटिंग ऑडिटिंग रूल्स प्रोसीजर्स कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है इनको बस कंपनीज एक्ट के मुताबिक पूरा काम यहां पे करना होता है ठीक है गवर्नमेंट कंपनीज की फंड्स कहाँ से आते हैं कहा से आता है तो वो फंड्स आते हैं उनके शेयर होल्डर्स से ठीक है तो यहां पे मेजोरिटी शेयर होल्डर्स कौन है गवर्नमेंट है एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट ठीक है तो मान के चलो बाकी का जो 49% परसेंट है कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स है या फॉर्म्स है कंपनीज है वो शेयर्स खरीद सकती है तो बेसिकली ये लोग शेयर्स इशू करते हैं लोग शेयर्स परचेस करते हैं मेजोरिटी गवर्नमेंट के हाथ में रहता है बाकी लोग भी शेयर्स परचेस करके इन गवर्नमेंट कंपनीज का फंडिंग यहाँ से आता है लेटे से गवर्नमेंट कंपनी ने हजार शेयर्स इशू किए एग्जाम एग्जाम्पल दे रही हूँ हजार शेयर्स इशू किए सौ रुपए का एक तो उसमें से मोर देन फाइव हंड्रेड शेयर्स वो लोग ने खुद रख लिए मोर देन फाइव हंड्रेड ठीक है बचे हुए शेयर्स पब्लिक के लिए उन्होंने बेच दिए कोई भी लोग या फर्म या कंपनी इसको खरीद सकता है वहां से भी पैसे आए टोटल शेयर्स बेचे सारे पैसे इकट्ठा किए ये इनके फंड्स हो गए जिनके द्वारा ये इजीली यहाँ पे बिजनेस को कर सकते हैं ठीक है थीके? गवर्नमेंट कंपनीज की मेरिट्स की बात करूं तो उनके मेरिट्स में सबसे पहला चीज यहां पे ये आता है कि ये गवर्नमेंट कंपनीज को इंडियन कंपनीज एक्ट के मुताबिक फॉर्म करना है दैट इज अ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 इसमें पार्लियामेंट की एक्ट गवर्नमेंट के कायदे गवर्नमेंट का प्रोसेस कुछ एप्लीकेबल नहीं है कंपनीज एक्ट जो जॉइंट स्टॉक तो कंपनी के ऊपर लागू होती है इनके ऊपर लागू होती है उसी के मुताबिक इनको अपनी कंपनी को यहाँ पे फॉर्म करना है ठीक है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है कोई गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है अपने मुताबिक प्रोसेस प्लान ये डिसाइड किया जा सकता है एज पर द कंपनीज एक्ट ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इट एंजॉयजोनॉमी तो अगेन ऑटोनॉमी का मतलब क्या तो इन अवे फ्रीडम आप यहां पर इन अवेज को क्या समझ सकते हो फ्रीडम तो उनको फ्रीडम इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन मिलता है जो भी इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी उनका टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड होता है अगेन ये डिसाइड होगा कंपनीज एक्ट के मुताबिक उनके हाथ में सारा पावर टू मेक डिसीजन होता है तो जो भी डिसीजन उनको अपने कंपनी के लिए सही लगते हैं वो उनको ले सकते हैं ठीक है अगेन ऑटोनॉमी यहाँ पे मैंशन है दीज कंपनीज पे प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज बट एट रीजनेबल प्राइस ठीक है बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज का काम क्या है तो लोगों को गुड्स एंड सर्विसेस देना वो भी एट अ रीजनेबल प्राइस जैसे मैंने कहा बेटा कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज है उनका प्राइमरी एम हमेशा लोगों का बेनिफिट लोगों का वेलफेयर होगा तो यहाँ गवर्नमेंट कंपनीज क्या कहती है हम नहीं चाहते मार्केट में मोनोपोली फॉर्म हो कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसेस आते हैं मोनोपोली करते हैं फिर चीजों को महंगी बेचते हैं आपके पास ऑप्शन नहीं है तो उन सेक्टर्स में गवर्नमेंट कंपनीज खुद फॉर्म होके लोगों को रीजनेबल प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज बेच के मार्केट में जो अनहेल्दी कंपटीशन है जहां पे लोगों का कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उसको हटाने की कोशिश यहां पे ये गवर्नमेंट कंपनीज करती है ठीक है नेक्स्ट चीज यहां पे क्या है तो ये गवर्नमेंट कंपनीज के लिमिटेशंस अब लिमिटेशंस की बात करें तो सिंस द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन द कंपनीज द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच गवर्नमेंट को कायदा सिखाओगे सिंपल सवाल है ठीक है कंपनीज एक्ट ट्वेंटी लागू होती है बट गवर्नमेंट हैज पावर कुछ अमेंडमेंट्स करके कुछ यहां पे रूल्स पास करके कुछ यहां पे प्रपोजल्स पास करके ये कंपनीज एक्ट को एमेंड करने के लिए या कुछ उसके प्रोसेस स्किप करने के लिए उनके पास तरीके हैं ठीक है तो बोलते हैं कंपनीज एक्ट लागू होती है बट कितना फॉलो करना नहीं करना उनके हाथ में है ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे इट इज नॉट एंसरेबल टू द पार्लियामेंट ठीक है तो इन अ वे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट होती है कि लोगों को आप आंसरेबल हो लोगों को बेनिफिट के लिए काम करना है लोगों का ही भलाई सोचना है यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर वो नहीं है कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है क्योंकि आप कोई ज्वाइंट ऑफ कंपनी को जाके पूछते हो कि आपने क्या किया क्यों किया कब किया कैसे किया तो इनको कैसे पूछ सकते हो बस यहां पे स्टेट गवर्नमेंट का है ना अगेन ठीक है नेक्स्ट चीज इज द गवर्नमेंट बींग शेयर होल्डर द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट तो अगेन आपने बोला फ्लेक्सिबिलिटी है कोई कंट्रोल नहीं है कोई इंटरफेरेंस नहीं है अरे लेकिन वापस गवर्नमेंट के हाथ में ही कंट्रोल है ना तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो ऑटोमेटिकली आ गया और वही पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रही है वही डिसीजन लेगी वही मैनेजमेंट सेटअप करेगी यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी कैसे हुई कैसे हुई ठीक है बट 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 यहाँ पे अगर मैं आपको गवर्नमेंट कंपनीज के सम एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज देना चाहूँ ठीक है तो उसमें आप लिख सकते हो कोल इंडिया लिमिटेड उसके अलावा बी एच ई एल ठीक है उसके अलावा एस ए आई एल उसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है और सिमिलरली uh, अगर मैं यहाँ पे आपको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैचुटरी कॉरपोरेशन देना चाहूँ ठीक है तो एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ईजीली जो आप याद रख सकते हो उसमें आता है एल आई सी देन आता है आर बी आई that is रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको बता रही हूँ ईजिली जिसको आप एग्जाम में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रेलवे पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन ये लिख सकते हो सैचेटरी कॉरपोरेशन की बात करें तो एल आई सी आरबीआई लिख सकते हो और साथ ही गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड सेल भेल हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये यहाँ पे आसानी से आप लिख सकते हो ठीक है, चलिए आगे जाते हैं अप टू द नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे सबसे पहली बात पब्लिक सेक्टर और उसके वेरियस तरीके टू एंटर इन टू बिजनेस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट कंपनी ये हम यहां पे कर चुके हैं ठीक है अब हम आते हैं टू वेरी न्यू कंसेप्ट जिसको कहते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस यहां पे अगर मैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात करूं तो ये ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनकी ऑपरेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ देर ब्रांचेस इन सेवरल कंट्रीज होती है ठीक है बेसिकली एक सिंपल तरीके से बताओ तो इनको हम एक तरीके से मल्टी नेशनल कॉरपोरेश या तो आप जो है शॉर्ट फॉर्म में इसको जानते हो एम एन सी के नाम से मल्टी नेशनल तो क्यों इनको मल्टी नेशनल कहते हैं देखिए यहां पे अगर मैं मल्टी की बात करूं तो मल्टी का मतलब यहां पे क्या होता है मोर देन वन एक से ज्यादा ठीक है नेशनल का मतलब क्या होता है तो बेसिकली कंट्री तो अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस ऐसे बिजनेसेस है विच हैव देयर बिज़नेस सेटअप इन मोर देन वन कंट्री चाहे वो डिफरेंट कंट्रीज में ब्रांचेस सेटअप करे या दूसरे कंट्री में अपनी फैक्ट्री सेटअप करे या दूसरे कंट्री में अपनी ऑफिस सेटअप करें बट अगर कोई भी बिजनेस एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में अपने बिजनेस ऑपरेशन को करता है तो उसको हम यहाँ पे ग्लोबल एंटरप्राइज़ या तो मल्टी नेशनल कहते हैं ठीक है उनके ब्रांचेस को इवन मेजॉरिटी ओन फॉरेन अफिलिएट्स कहा जाता है ये सिर्फ आपको याद रखना है और वेरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा एवरी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन व देर हेडक्वार्ट से मेनली सारी चीजें कंट्रोल होती है इन देर होम कंट्री मतलब अगर इंडिया की कंपनी है तो उसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में होंगे भले ब्रांचेस पूरे दुनिया में कहीं और भी हो यूएसए की कंपनी है तो उसके जो हेडक्वार्टर्स है वो यूएसए में होंगे ब्रांचेस चाहे कितने और देशों में हो हर एक मल्टीनेशनल कंपनी की हेडक्वार्टर्स उसके खुद के होम मतलब खुद के देश में होती है अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करो तो भाई इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ठीक है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप यहां पे एग्जाम्पल्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिख सकते हो ठीक है उसके अलावा टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज सैमसंग लिख सकते हो एमेजॉन लिख सकते हो एक्सेट्रा ठीक है बहुत सारे इसके तो नेवर एंडिंग एग्जाम्पल्स है कोई भी दो चार एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं जिसको आप एग्जाम में इजीली यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे कोट कर सको अब मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल इंटरप्राइजेस के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज इनके पास भाई बधेर पैसा होता है ठीक है देखिए यहां पे ये कंपनीज लार्ज नहीं वेरी लार्ज स्केल पे बिजनेस करती है और इसीलिए इनके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ फंड्स है जहां से ये वेरी ह्यूज अमाउंट में कैपिटल इकट्ठा कर सकती है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स एक्सेट्रा तो कोई भी सिक्योरिटी इशू करके ये मल्टीनेशनल कंपनीज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स यहाँ पे इकट्ठा कर सकती है और इसीलिए इतने लार्ज स्केल पे ये बिजनेस ऑपरेशन यहाँ पे सेटअप कर सकती है ठीक है बिकॉज इनके पास इतना पैसा है तभी तो भाई ये आसानी से बहुत सारी चीजें यहाँ पे सर्वाइव कर ये इतना कंपटीशन फेस करना इतने प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी गवर्नमेंट चेंज होना ये सारे जो अब्सैकल आते हैं बिकॉज दे हैव फंड्स और वो चेंजेस ला सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को वो आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज फॉरेन कोलेब्रेशन भी करती है तो बहुत सारे यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ मान के चलिए कि एक इंडिया की कंपनी है उसको अपना बिजनेस जो है यूरोप में एक्सपैंड करना है तो एक तरीका है कि आप खुद यूरोप जाके वहाँ पे ब्रांचेस सेटअप करो देन वहाँ पे बिजनेस करो बट इसमें वहाँ की गवर्नमेंट उसका लीगल प्रोसेस वहाँ के कस्टमर्स को जानना पहचानना बहुत सारी झिकझिक और कॉस्ट इन्वॉल्व है तो दूसरा तरीका क्या है कि यूरोप की एक कंपनी है उसके साथ आप कोलैबोरेट करो ज्वाइन हो जाओ और उनके द्वारा आप यूरोप के मार्केट में एंटर करके बिजनेस ज्यादा ठीक है तो यहाँ पे ऐसे फॉरेन कोलैबोरेशंस करके भी ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है पेटेंट शेयर करके या फिर फॉरेन एक्सचेंज में डील करके यहाँ पे ये लोग बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं बट उसके वजह से भाई साहब मोनोप्लीस भी बढ़ रही है ठीक है जनरली कैसे होता है देती हूँ मैंने जो भी यूरोप वाला एग्जाम्पल दिया उसी को कंसिडर करता है ठीक है मान के चलिए कि इंडिया की जो कंपनी है उसका ए बी सी लिमिटेड ठीक है उसको कहां पे बिजनेस सेटअप करना है तो यूरोप में किस चीज का बिजनेस है मान के चलिए हम यहां पे लेते हैं लग्जरी क्लोदिंग जो महंगी क्लोदिंग आती है महंगे कपड़े होते हैं लाखों रुपए के शर्ट और जीन्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ ठीक है तो उनको अपना बिजनेस यूरोप में सेटअप करना है अब यूरोप में लग्जरी क्लोथिंग में ऑलरेडी एक कंपनी है जिसका हम नाम ले, ले लेते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड अब पहले तरीके से अगर हम जाए तो एबीसी लिमिटेड यहाँ पे यूरोप में अपना ब्रांड सेटअप करती है तो एक्स वाई जेड भी लग्जरी क्लोथिंग बेच रहा है एबीसी भी लग्जरी क्लोथिंग बेच रहा है कंपटीशन है ठीक है दूसरा तरीका यहां पे एबीसी कंपनी खुद का अपना सेटअप नहीं कर रही है वो एक्स वाई जेड के साथ ही कोलैबोरेट कर रही है क्या कर रही है कोलैबोरेट कर रही है और अपनी लग्जरी क्लोथिंग एक्स वाई जेड के साथ मिलकर यूरोप में सेल कर रही है तो यहां पे ये लोग एक तरीके से साथ हो गए पहले एक दूसरे के खिलाफ थे कॉम्पिटिटर्स थे अगर दोनों अलग सेटअप करते दोनों मिलके कर हैं तो एक हो गए, ये मोनोपोली नहीं क्रिएट करेगा कल उठ के एम एनडब्ल्यू कंपनी है कोई और देश की वो भी आके इनके साथ जुड़ गई तो कंपटीशन ही नहीं ना कंपटीशन नहीं बिना मोनोपोली सेट कर रहे हो आप दिक्कत है मेरे दोस्त मोनोपोली से सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा कंज्यूमर्स का होता है अगर वो पूरे बिजनेस को रूल करने लगेंगे अपने मर्जी से चीजें बेचेंगे अपने प्राइजेस पे बेचेंगे आप क्या करोगे उनके पास तो कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है ना जिनसे उनको डरो ठीक है नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या है एडवांस टेक्नोलॉजी देखिए अगेन इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं तो कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई भी लेटेस्ट मशीनरी आती है वो उसको आसानी से खरीद के यूज भी कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या है तो प्रोडक्ट इनोवेशन प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब कोई नई चीज लाना चाहे वो न्यू प्रोडक्ट हो न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट हो न्यू पैकेजिंग हो एंड सो ऑन तो ऐसे केस में इनोवेशन करने के लिए बेटा बहुत ज्यादा यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने ले भी पैसा चाहिए ऐसे एक्सपर्ट चाहिए ऐसे साइंटिस्ट चाहिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके अगेन इनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स है तो अलग से एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेटअप करके वहां पे एक्सपर्ट लोगों को एम्प्लॉय करके कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके न्यू इनोवेटिव बेटर प्रोडक्ट्स हमेशा इन द मार्केट्स वो यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं और इसीलिए इनका जो कंट्रोल ओवर बिजनेस या मार्केट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट करके न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करके ये कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कस्टमर सैटिस्फैक्शन ये यहाँ पे दे सके ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भाई ये जो है ना एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं एग्रेसिव मतलब क्या अगेन बधेर पैसा है एक नया आईफोन लॉन्च होने वाला होता है ना हर देश में कोने कोने तक सबको पता होता है इतनी हाई लेवल ऑफ एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इनके पास है वो कर सकता है पर छोटी कंपनीज कर सकती है क्या छोटे बिजनेसेस कर सकते हैं क्या और इसीलिए काफ़ी बार छोटे बिज़नेसेस को ये कंपटीशन में सर्वाइव करने नहीं देते और ये बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करके कस्टमर सैटिस्फैक्शन देके लोगों को कन्विंस करके टू बाय अ प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर आसानी से यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं ठीक है चलिए एक्सपांशन ऑफ मार्केट टेरिटरी अब देखिए यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ मार्केट टेरिटरी की बात करूँ तो मान के चलिए एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो तीन कंट्रीज में काम कर रही है अब वो चौथे और पांचवें कंट्री में भी अपने बिजनेस ऑपरेशन को बढ़ाना चाहती है एक्सपांड करना चाहती है अगेन एक्सपांशन के लिए क्या चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो इनके पास अवेलेबल है तो खुद की कंट्री के अलावा और ज्यादा कंट्रीज में भी अपने बिजनेस को धीरे धीरे आसानी से एक्सपांड कर सकती है ठीक है उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अपने कंट्री के अलावा दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपैंड करना ठीक है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं कि इनका जो कंट्रोल है इनके जो हेडक्वार्टर्स से इनका कंट्रोल होता है और हेडक्वार्टर्स हमेशा होम कंट्री में मतलब ओन कंट्री खुद के कंट्री में इनका हेडक्वार्टर्स होगा चाहे ब्रांचेस कोई और कंट्री में हो कितने भी कंट्री में ब्रांचेस सेटअप किए जाए खुद का हेडक्वार्टर्स हमेशा ओन कंट्री होम कंट्री खुद के कंट्री में होगा और इन बिजनेसेस को कंट्रोल भी किया जाता है हेडक्वार्टर्स से तो बेसिकली कंट्रोल खुद के कंट्री में ही रह जाएगा ठीक है चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट अब जाते हैं टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है ज्वाइंट वेंचर्स सबसे पहले समझना है ज्वाइंट वेंचर का मतलब ठीक है उसके दो टाइप्स होते हैं बताऊंगी यहाँ पे बट 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 सबसे पहले आपको समझना है जॉइंट वेंचर्स बेटा मैं यहाँ पे अगर जॉइंट वेंचर्स की बात कहूँ तो कोई भी दो बिजनेसेस अगर एक साथ आके अगर एक साथ आके कॉमन पर्पज और दोनों फायदे के लिए बिजनेस करे तो इसको कहते हैं जॉइंट वेंचर एक बच्चा कहता है मैम पार्टनरशिप हुआ ना दो जन एक साथ आए बिजनेस किया तो पार्टनरशिप ना एक सेकेंड वेन टू और मोर पीपल या फिर इंडिविजुअल्स डू बिजनेस टूगेदर ये हुआ पार्टनरशिप दो व्यक्ति दो इंडिविजुअल एक साथ आके एक बिजनेस फॉर्म करते हैं पार्टनरशिप यहां पे दो व्यक्ति नहीं जुड़ रहे यहां पे टू बिजनेसेस जुड़ रहे हैं ठीक है XYZ, एक कंपनी है एक्सपायर एक कंपनी है एबीसी दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करेगी दोनों के फायदे के लिए तो जॉइंट वेंचर है ये दो इंडिविजुअल्स नहीं है इंपॉर्टेंट चीज ठीक है उसके बाद अ जॉइंट वेंचर कैन बी फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज अ फ्लेक्सिबल का मतलब क्या अब कंपनीज एक साथ आके बिजनेस करेगी तो किसका कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा कौन क्या टेक्नोलॉजी देगी कौन क्या एसेट्स देगा क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा होगा किसका क्या मैनेजमेंट डिसीजन पे कंट्रोल ये ये दोनों कंपनीज मिलकर तय करेगी अगेन यहाँ पे 50 50 प्रॉफिट होगा दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कोई चीज यहाँ पे ऐसी मैंडेटरी नहीं है कोई नहीं तो फ्लेक्सिबल है दोनों कंपनीज को जो सही लगता है जिसमें दोनों सहमत है उस तरीके ये जॉइंट वेंचर को फॉर्म किया जा सकता है और उसके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए जा सकते हैं ठीक है बट ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में मेंशन करना है ऐसा नहीं कि आज एक बोला कल कुछ और बोला और झगड़े होगा ऐसा नहीं तो आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन अग्री हुए हैं ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट में करो दोनों उसके ऊपर साइन करेंगे कि हाँ भाई सही है हम इसको अग्री करते हैं सो so के कॉन्फ्लिक्ट होना झगड़े होना कि ऐसा बोला ही नहीं था ऐसा हुआ ही नहीं था ये ना हो ठीक है चलिए आगे जाते हैं इन इंडिया ज्वाइंट वेंचर कंपनीज बेस्ट तरीका होता है बिजनेस करने के लिए क्यों क्योंकि इसके ऊपर कोई अलग कायदा लागू नहीं होता ठीक है देखिए जनरली क्या होता है जब जॉइंट वेंचर्स करता है अब मेरी कंपनी है मेरी कंपनी में फंड्स है एसेट्स है एक्सेट्रा आपकी भी कंपनी है आपके पास भी फंडस है एसेट्स है एक्सेट्रा अकेले अकेले एस टू सेपरेट बिजनेस काम करोगे तो लिमिटेशन इन फंड है लिमिटेशन इन पावर्स है लिमिटेशन इन एसेट है अगर दो कंपनीज मिल गई तो उनके फंड्स भी ज्वाइंट हो गए एसेट्स भी ज्वाइंट हो गए तो पावर भी बढ़ गया एक तरीके से बेटर बिजनेस आप कर सकते हो ज्यादा मार्केट कैप्चर कर सकते हो और प्लस आपके ऊपर कोई अलग कायदा कानून टर्म्स कंडीशंस इंडिया में लागू नहीं होता और इसीलिए इंडिया में जॉइंट वेंचर को वन ऑफ द मोस्ट अडॉप्टेड तरीका ऑफ डूइंग बिजनेस माना जाता है ठीक है तो यहाँ पे इनको डोमेस्टिक कंपनीज के तौर पे ही जो भी कायदा कानून है वो इनके ऊपर लागू होता है अब जॉइंट वेंचर की अगर बात करें तो बेसिकली बच्चा दो टाइप के जॉइंट वेंचर होते हैं टाइप नंबर वन जिसको कहते हैं इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर या तो ई जे वी ठीक है सेकेंड टाइप दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर या तो इसको कहते हैं सी जे वी अब यहां पे अगर इक्विटी बेस्ड वेंचर कहो तो इसको तीन तरीके से बनाया जा सकता है आप इसको कंपनी के तौर पे फॉर्म कर सकते हो पार्टनरशिप के तौर पे फॉर्म कर सकते हो या तो एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप या है मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आपको पढ़ाई थी ठीक है तो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी राइट right? तो यहाँ पे एक तो जनरल पार्टनरशिप है चलो वो तो नॉर्मल हो गए सबकी लाइबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड है बट एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप लिमिटेड पार्टनरशिप या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जहां पे एक की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी बाकी सबकी लिमिटेड इस तरीके से भी इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर तीनों तरीके में फॉर्म हो सकता है सोल प्रोपरेटरशिप नहीं हो सकता है भाई यहाँ पे एक ही व्यक्ति है कॉपरेटिव सोसाइटी नहीं हो सकता है क्योंकि उनका अल्टीमेट एम प्रॉफिट ही नहीं है ठीक है तो या तो पार्टनरशिप हो सकता है जिसमें दो टाइप है या तो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ज्वाइंट कंपनी हो सकता है बट कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर कहे तो ये क्या होता है कॉपरेशन एग्रीमेंट या तो स्ट्रेटेजिक अलायंस बेसिकली यहां पे एक एमओ यू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है जहां पे दो व्यक्ति कहते हैं कि चलो ये काम है तो साथ में इसको काम करते हैं में स्ट्रेटेजिक करने में अपना फायदा है दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है आगे इन डिटेल समझा रही हूं ठीक है चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं वॉट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड ज्वाइंट वेंचर या तो जैसे मैंने कहा सी जे वी देखिए सबसे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड ज्वाइंट वेंचर में कोई भी न्यू ज्वाइंटली क्रिएट नहीं होती एग्जाम्पल देती मान के चलिए दो कंपनीज हैं एबीसी लिमिटेड एंड एक्स वाई जेड लिमिटेड ये दोनों कंपनीज मिलकर ज्वाइंट वेंचर करना चाहती है तो ये दोनों कंपनीज क्या करेगी इनके बीच में एक अग्रीमेंट होगा जिसमें इनके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जॉइंट वेंचर सब कुछ मैं उसके बाद वो साथ में मिलकर कोई पर्टिकुलर बिजनेस या प्रोजेक्ट को करेगी इस केस में ये दोनों कंपनी मिलकर एम एंड सी लिमिटेड यहाँ पे बन गई ऐसा नहीं है दो कंपनी इसकी आइडेंटिटी नाम अलग है एक का एबीसी है एक का जेड है वो अलग ही रहेगा दोनों मर जो के एक कंपनी बन गई नई कंपनी फॉर्म हो गई नो दोनों अलग ही रहेगी याद रखना ठीक है चीज ओनली एन एग्रीमेंट पे वो कहते हैं हम साथ में काम करेंगे दोनों एक कंपनी बन जाएंगे नो 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 दो डिफरेंट कंपनी डिफरेंट ही रहेगी बस एक एग्रीमेंट होगा कि हम दोनों जो है अभी साथ मिलकर कोई एक पर्टिकुलर काम को करेंगे बेस्ट एग्जांपल इसका कोई भी फ्रेंचाइजी ले लो चाहे वो मैं डोमिनोज साबक हो साबक्स हो सीसीडी हो बेस्ट एग्जांपल इसका एक फ्रेंचाइजी है जहां पे सामने वाला व्यक्ति अपना जो नाम है देता है कि चल साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे तू जो स्टोर है वहां पे सेटअप कर ले उसका एक प्रॉफिट जो है फ्रेंचाइजर को जाता है जिसकी वो कंपनी होती है बेसिक सा एग्जाम्पल है ठीक है चलिए आगे जाते हैं अब कुछ वेंचर के की मतलब इसमें क्या होता है एग्जैक्टली ठीक है सबसे पहली चीज यहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंपनीज़ एक साथ आके बिजनेस कर सकती है अब जाहिर सी बात है आप एक साथ जुड़ के बिजनेस तभी करोगे जब आपका एक कॉमन इंटेंशन है जब आपका एक कॉमन फोकस है कॉमन टारगेट है और इसमें सबका बेनिफिट है ठीक है इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हर पार्टी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इनपुट करेगी अब भाई तुम साथ में बिजनेस कर रहे हो एक व्यक्ति सारा इनपुट ला रहा है सारा काम कर रहा है तो दूसरे कंपनी की जरूरत ही क्या है साथ में बिजनेस तब करेंगे जब सबके पास कोई ना कोई फायदे की चीज हो और लेकर आ सके ना तो हर एक कंपनी कैपिटल ला सकती है एक कंपनी ने कैपिटल लाया एक कंपनी ने एसिड्स और टेक्नोलॉजी लाया ये भी हो सकता है ठीक है बट हर कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा दोनों पार्टी का कोई ना कोई कंट्रोल इन द डिसीजन ऑफ बिजनेस होगा भाई बिजनेस साथ में कर रहे हो तो दोनों का यहां पे ओनरशिप आ गया ना तो दोनों का कंट्रोल होगा तो शुरुआत में ही जब ये एग्रीमेंट होता है तो किसका क्या डिसीजन में कंट्रोल होगा या कौन किस चीज का मैनेजमेंट करेगा शुरुआत में डिसाइड हो जाता है सो दट बाद में झगड़े कॉन्फ्लिक्स यहां पर ना हो ठीक है नेक्स्ट चीज द रिलेशनशिप इज नॉट अ ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप मतलब क्या कि यहां पे ऐसा नहीं है, एक काम किया चलो खत्म। no. ये लॉन्गर ड्यूरेशन का रिलेशनशिप होता है जहां हम एक लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। तो दो चार महीने में जॉइंट वेंचर खत्म हो गया ऐसा वाला सीन यहाँ पे नहीं होता इसी को क्या कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर कहते हैं ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसको कहते हैं या तो इक्विटी इक्विटी जॉइंट जॉइंट वेंचर। वेंचर अब की बात करूं, तो यहां पे एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पे दोनों बिज़नेसेस मॉर्ज होके एक नया बिजनेस फॉर्म होता है तो इसमें दो तरीके हैं एक कंपनी थी मान के चलिए एबीसी लिमिटेड दूसरी थी एक्स जेड लिमिटेड ये दोनों कंपनी मर्ज होके न्यू कंपनी फॉर्म हो गई जिसका नाम हमने रख दिया मान के चलिए एबीजेड लिमिटेड ठीक है दूसरा तरीका एबीसी लिमिटेड मर्ज हो गई एक्सड लिमिटेड में और लिमिटेड इनका नया नाम है एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज हो गई दूसरी कंपनी का नाम सेम है दोनों कंपनी डिसॉल्व होकर दोनों ने मिलकर एक नया जॉइंट वेंचर खोला नाम रख दिया एबीसी बट यहाँ पे दोनों की आइडेंटिटी चेंज होगी ऐसा नहीं कि दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी है नो no. दोनों मर्ज होगी एक साथ जॉइंट हो जाएगी और फिर बिजनेस करेगी ठीक है याद रखिएगा अगेन टू या मोर इसमें बिजनेसेस हो सकते हैं दोनों के बीच में अग्रीमेंट होगा जिसमें इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें इसके जो भी डिसीजंस है वो सारे इस कॉन्ट्रैक्ट में अगेन मैंशनड होता है कुछ की एलिमेंट्स इसके सबसे पहले यहाँ पे न्यू एंटिटी फॉर्म होगी या तो पहले वाला कंपनी दूसरे कंपनी में होगा जो सी में नहीं था ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ओनरशिप हमेशा तो नहीं कि एक ही कंपनी ओनर बन गया दूसरा फिर क्या करेगा भाई तो जॉइंट डिसीजन जॉइंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट दोनों कंपनी का इनपुट्स लाना यहां पे होगा ही दोनों का मैनेजमेंट भी ज्वाइंट होगा जिम्मेदारियां भी जॉइंट होगी अगर इन्वेस्ट

चीज है ठीक है यहां पे अगर इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर्स के कुछ आपको एग्जांपल्स देना चाहो तो आप इसमें आईसीआईसीड लिख सकते हो जहां पे आईसीआईसीआई एक कंपनी है लोमबार्ड दूसरी कंपनी है सिमिलरली यू कैन राइट आईसीआईसीआई जो एक कंपनी है प्रूडेंशियल जो सेकेंड कंपनी है सिमिलरली मारुति सुजुकी का था ठीक है हीरो होंडा का था जो डिसॉल्व हो चुका है ये सारे इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर्स थे राइट मोस्ट ऑफ द इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में पाया गया है कि उसमें एक कंपनी इंडियन होती है दूसरी कंपनी फॉरेन होती है अब मारुति सुजुकी देख लो हीरो होंडा देख लो आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल देख लो आईसीआईसीआई लोमबार देख लो एंड सो so बेनिफिट्स ऑफ इक्विटी भी जॉइंट वेंचर की बात करें तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस और कैपेसिटी होता है एक सिंपल एग्जांपल से अगर मैं इसको समझाऊँ तो मान के चलिए एबीसी लिमिटेड है जिसके पास हंड्रेड करोड़ रुपीज का फंड है जेड लिमिटेड है जिसके पास भी हंड्रेड करोड़ रुपीज का फंड है तो इंडिविजुअली देखेंगे तो उनके पास सौ करोड़ है बट ये दोनों कंपनी अगर मिलकर जॉइंट वेंचर फॉर्म करती है तो टोटल इनके पास टू हंड्रेड करोड़ हो गए प्लस दोनों का मैनेजमेंट स्किल्स दोनों के यहां पे रिसर्च दोनों के यहां पे एसेट जहाँ पे मर्ज हो गए तो ज्यादा हो गया ना तो मोर कैपिटल एंड रिसोर्सेज बिजनेसेस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा जिससे वो ग्रो एक्सपैंड करना मार्केट कैप्चर करना ईजीली कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट चीज क्या है तो एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे जो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर्स है उसमें एक इंडियन कंपनी है दूसरी फॉरेन कंपनी है तो यहाँ पे बेस्ट तरीका होता है अगर आप कोई और कंट्री में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो कोई और कंट्री में एंटर करना चाहते हो तो उस कंपनी की उस कंट्री के कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लो जैसे लोमबार्ड ने आईसीआईसीआई के साथ जॉइंट वेंचर करके इंडिया में अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया सेम गोज विथ प्रोडेंशियल ठीक है तो ये कंपनीज क्या करती है जॉइंट वेंचर करती है विथ अ पार्टनर फ्रॉम अनदर कंट्री उससे उस कंट्री की मार्केट में वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकती है तो कोई भी फॉरेन कंपनी जो है इंडिया की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके इंडियन मार्केट में यहाँ पे एक्सेस ले सकती है ठीक है थर्ड चीज क्या है तो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी अब देखिए बहुत इंडिया की कंपनी मारुति ने सुजुकी के साथ जॉइंट वेंचर किया था क्यों क्योंकि सुजुकी एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास बेटर टेक्नोलॉजी थी टू मेक ऑटोमोबाइल्स या कार्स बेसिकली ऐसे कह सकते हो ठीक है तो उनके साथ जॉइंट वेंचर करके उनके पास जो बेटर सुपीरियर लीडिंग टेक्नोलॉजी है उसका एडवांसमेंट उसका फायदा एज एन इंडियन कंपनी आपको यहां पे मिल सकता है देखिए एक होता है कि भाई उनकी टेक्नोलॉजी छोड़ो आप खुद टेक्नोलॉजी खरीदो खुद उसको डेवलप करो बट ये एक्सपेंसिव पड़ता है काफी बार नहीं कर सकते तो बेटर है हाथ मिला लो उनकी टेक्नोलॉजी आपकी हो गई आपको भी उसका फायदा मिल गया और उनको इंडियन मार्केट में एक्सेस मिल गया तो उनका भी बिजनेस ग्रो होगा ठीक है नेक्स्ट चीज क्या है तो इनोवेशन देखिए इनोवेशन की बात करें तो कोई भी मार्केट है आज ऐसा है कि भाई एक चीज लगातार नहीं बिकेगी राइट सो कंटिन्यू इनोवेशन करके न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए यहां पे आपको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे पहले तो इसके लिए फंड ज्यादा चाहिए ठीक है दूसरी चीज यहां पे कुछ क्रिएटिव माइंडसेट कुछ नया चाहिए तो हम जनरली क्या करते हैं जॉइंट वेंचर्स को करके यहाँ पे बिज़नेसेस को एक मौका मिलता है कि कुछ नया मार्केट में वो इंट्रोड्यूस कर सके अब देखिए मेरा प्रोडक्ट तो मैं सेल कर ही रही थी जॉइंट वेंचर करके किसी और का बनाया हुआ प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट के आइडिया के साथ मर्ज करके भी मैं उसको सेल कर सकती हूँ ना तो इन वे मैंने न्यू प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक है चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट दैट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से यहां पे ज्वाइंट वेंचर होता है अब देखिए अगर मैं इंडिया की बात करूं ठीक है तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो इंडिया में कॉस्ट ऑफ लेबर जो है या लेबर चार्जेस है वो काफी यहां पे सस्ते हैं चीपर है कंपेर टू डेवलप कंट्रीज तो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनी इंडिया के साथ टाइप करके इंडिया में अपने प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करके यहाँ पे जो लेबर है या लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है उसको यूज करके भी यहां पे प्रोडक्शन करती है तो इससे क्या होता है कि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है खुद के कंट्री में प्रोडक्शन कर रही है तो महंगा पड़ रहा है इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में भी सेटअप किया तो इंडिया में रॉ मटेरियल लेबर टेक्नोलॉजी सस्ते दामों पर अवेलेबल है तो इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पे रेड्यूस हो सकता है ठीक है एक रीजन जॉइंट वेंचर का ये भी होता है तो ब्रांड नेम देखिए बहुत कंपनीज होती है लोग उनको जानते हैं बिकॉज ऑफ द ब्रांड रेप्यूटेशन उनका एक नाम हो जाता है market में जिसको हम कहते हैं अब आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ गए तो ऑटोमेटिकली आपको भी लोग जानने लगेंगे ओ, का थप्पा जरूरी है भाई कहां है थप्पा जो पूछा गया था ना ये थप्पे की तो बहुत वैल्यू है भाई प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली दुगना हो जाना है ठीक है तो बहुत सारे लोग ये ब्रांड नेम के लिए ये गुडविल ये रेप्यूटेशन इन द मार्केट क्रिएट करने के लिए भी ज्वाइंट वेंचर करते हैं ठीक है चलिए आगे जाते हैं टू द लास्ट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर जो कि है पीपीपी क्या है पीपीपी क्या है पीपीपी दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बेसिकली क्या होता है तो दो कंपनीज है जैसे एबीसी लिमिटेड और एक्स जेड लिमिटेड उसमें से एक कंपनी प्राइवेटली ओन होगी या तो प्राइवेट सेक्टर की होगी और दूसरी जो है दैट विल बी पब्लिक सेक्टर या तो आप कह सकते हो गवर्नमेंट कंपनी और ये दोनों कंपनी जब मिलकर या जुड़कर या एक साथ हाथ मिलाकर बिजनेस करती है तो इसी को क्या कहते हैं मेरे पीपी पी ठीक पी, पी, है क्या कहते हैं पीपीपी प्राइवेट पब्लिक या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ठीक है यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें तो इस केस में जो रिस्क है ठीक है या तो जो काम ऑफ बिजनेस है वो दोनों के बीच में अलोकेट होता है इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पब्लिक एंड अ प्राइवेट एंटिटी एक पब्लिक कंपनी होगी एक प्राइवेट कंपनी होगी याद रखना जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस के लिए प्राइवेट कंपनी की मदद या तो प्राइवेट कंपनी का साथ या सपोर्ट मांगा जाता है ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर का मेन कंट्रोल या मेन डिसीजन इसमें होगा इंश्योर करना कि भाई प्राइवेट कंपनी आ गई तो वो अपना प्रॉफिट देखे कुछ भी करे ऐसा नहीं है पब्लिक कंपनी का मेन कंट्रीब्यूशन देखो एग्जैक्टली exactly क्या होता है मैं आपको बता दूं कोई इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करना है जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनानी है ब्रिजेस बनाने हैं रोड्स बनाना है रोड रेलवे की लाइन डालनी है तो बहुत बार ये जो पब्लिक कंपनीज है या गवर्नमेंट्स है उनके पास उतने रिसोर्सिस लेबर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो क्या कहते हैं हमें करना तो है हम कर नहीं पाएंगे तो प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते उनके साथ मिलकर ये काम को पूरा करते हैं चलेगी किसकी ज्यादा तो गवर्नमेंट की करा क्यों रहे प्राइवेट कंपनी से क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी मिल रही है सिंपल सा बात है ठीक है याद रखना चलिए आगे जाते हैं उसके फीचर्स के साथ सबसे पहले इसमें एक प्राइवेट पार्टी एंड एक पब्लिक फैसिलिटी होगी ठीक है तो यहां पे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग कहो ठीक है तो ये दोनों के बीच में होगा अगर आप मैनेजमेंट कहो तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेन मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में होता है ठीक है चलिए फैसिलिटी की बात करें तो इट इज फाइनेंस एंड ओन्ड बाय द पब्लिक और इसीलिए मेन मैनेजमेंट उनके हाथ में होता है तो जैसे रेलवे का प्रोजेक्ट है तो रेलवे की ओनरशिप किसके पास है मेरे दोस्त तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है किसके पास है गवर्नमेंट के पास बट काम किसको दिया कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया प्राइवेट कंपनी सिंपल है ठीक है उसके अलावा की ड्राइवर्स क्या है तो ट्रांसफर ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इनली प्राइवेट कंपनी का हेल्प क्यों मांगा जाता है कि एक तो भाई मुझे प्रोजेक्ट करना है तो उसका डिजाइनिंग उसका पूरा लेआउट इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर लेआउट उसके लिए दूसरा कि भाई मुझे करना तुम कंस्ट्रक्ट करके दे दो उनको पैसा या प्रॉफिट शेयरिंग दिया जाता है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीपीपी बताओ बेस्ट में बेस्ट एक ही है बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं रिलायंस मेट्रो तो मेट्रो रिलायंस की हो गई रेलवे रिलायंस को दे दिया गवर्नमेंट ने ना 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 ये पी 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 है रेलवे गवर्नमेंट का ही है पर उसको बनाने का कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग ये सब किसने किया रिलायंस ने और दैट इज वाई इट इज अ पी 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 सिंपल बात ठीक है चलिए तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर थ्री है हम यहाँ पे खत्म करते हैं आई रियली होप कि पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा जाते जाते एक छोटा सा काम आपको देखते हुए जाऊंगी कुछ गवर्नमेंट कंपनीज का एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ठीक है एक ऐसा एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया था किसका गवर्नमेंट कंपनी का ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत ही सिंपल सी चीज है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा ठीक है दोबारा ऐसे लेक्चर्स के साथ हम आपको मिलेंगे मिलते ही रहेंगे बट अभी के लिए यहीं पे बाय एंड अ नाइस डे